गाइस केपी हेयर केपी 0004 में आपका स्वागत है। तो हमारे सामने खड़ी है A200 ट्यून्ड जो कि इन बाइक है जो है शमीमान भैया। कैसे भैया? बिल्कुल बढ़िया। तो कितनी पावर प्रोड्यूस करती है ये? ये भाई सेकंड स्टेज का ECU रीमैप्ड है। अच्छा ठीक है। तो ये 200 BHP एंड 450 NM ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अच्छा, और क्या आपने कुछ बाहर से भी चेंज करवाया इसमें? भाई चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ डाउन पाइप्स लगवा रखे हैं, मफलर डिलीट है एग्जॉस्ट, उसके अलावा सब कुछ। आवाज़ जो बोलोगे ना बहुत सेक्सी है इसकी। खड़ी घड़ी में नहीं आती, लेकिन जो चलाते टाइम आती है ना वो भाई गलत ही चीज़ है। तो भाई आपने कितने की ली थी गाड़ी? भाई ये मैंने यूज कार ली थी 2018 में, तो उस टाइम पे मेरे को पड़ी थी 1975 की। आपने कितनी चली हुई ली थी? 7000 किलोमीटर। और न्यू कितने की आती थी? भाई न्यू 34 लाख रुपए की। भाई बहुत फायदा मिल गया फिर तो आपको। 15 थी मतलब बस 2.5 साल चली हुई गाड़ी थी। लेकिन 7000 क्या है भाई गाड़ियों के लिए? कुछ नहीं है। 1.5-2 साल खड़ी हुई गाड़ी थी मैदानता के डॉक्टर की। अच्छा, डॉक्टर की गाड़ी थी फिर तो और मेंटेन्ड होगी ये। और आपने कितनी चला दी इसे? भाई अब 1 लाख पार हो गई। 1 लाख पार कर दी। और कितना खर्चा मांग लिया? कुछ भी नहीं भाई, वही भाई इसकी जो सर्विस होती है 15,000 रुपए की होती है। यार माइलेज कैसी है इसकी? माइलेज भाई आपकी मैंने अपने चैनल पे शमीमान ब्लॉग्स पे डाला भी है भाई, दिल्ली में 17-18 की देती है, हाईवे पे 22-23 की देती है। भाई साहब 22-23 की मेरी अल्टो गाड़ी नहीं देती और ये गाड़ी दे रही है भाई, और भागती तो एक नंबर की है। तो आज अंदर ही बैठ के बात करते हैं, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ये भाई का चैनल है, देख लो भाई यहाँ पर भी लिखा हुआ है A200। और ये भाई क्वांटम से हुई है देख लो, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। तो देखो और एक्रा पोविक का उसमें वो लगा रखा है टिप्स, बस एग्जॉस्ट नहीं लगा रखा, बस मफलर डिलीटेड है। लेकिन ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है ये, ऐसा कुछ आपको इसमें वो मिल जाता है। स्टेयरिंग मीटर देख लो, ये आपने बाहर से लगवाया है ना? ये स्क्रीन इसके बाहर से है। इसमें क्या कंपनी से कैसी आती है? कंपनी से आती है, इतनी बड़ी आती है, लेकिन ये साइज है उसका बस छोटा सा। ये जो एक्स्ट्रा आया ना, हाँ जी, ये साइज है इसका एक्स्ट्रा स्क्रीन का। मतलब आप इससे वो सही हो, आप मतलब कंफर्टेबल हो इससे? ऐसे ही मेरे भाई, थोड़ा गाड़ी के अंदर जब चेंज हो जाता है ना तो आपको अच्छा लगता है, मतलब छोटे छोटे चेंज अगर आप हर साल कराते रहते हैं गाड़ियों में। तो ये भाई आप देखोगे तो ये पूरे इंटीरियर को एकदम वो दे रही है, और इनर अंदर स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। देखो प्रमोशन नहीं है जैसे लोग करते हैं, यहाँ पर देख लो इन्वॉल्व बन का यहाँ पर है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, एक इसके अंदर पड़ा हुआ है भाई, मजाक से हटके सच में अच्छी है ये। जो यूट्यूबर्स प्रमोट करते हैं, मेरे को कोई प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी बढ़िया लग रही है, मैंने बोल दी। और आपको पता ही है मर्सिडीज में यहाँ पे कभी भी गियर नॉब नहीं आता, मर्सिडीज में हमेशा यहाँ पर आता है। और यहाँ पे वेल्वेट्रॉनिक निकल रहा है, वेल्वेट्रॉनिक ऑन ऑफ वाला बटन होगा, वैसे तो कह रही है नहीं वेल्वेट्रॉनिक वाली। एग्जॉस्ट नहीं लगा रखना आपने? एग्जॉस्ट नहीं है, ये डाउन पाइप है, मतलब एग्जॉस्ट ही बोला जाता है, क्वाड एग्जॉस्ट है जो अरुण पवार भाई ने करवाया। डाउन पाइप सीधा वो कर दी मफलर डिलीट करके। भाई मफलर डिलीट करके भाई, एक्चुअली ना डीजल कार में आप कितनी कार हो, मैं नहीं मानता कि कोई सारी कारें आवाज निकाल सकती हैं, 1-2% होती हैं। आपको कहाँ पर बेंड करवाना पड़ता है, कितने इंच पे बेंड करवाना पड़ता है ताकि वो टकराकर आवाज बाहर निकले, उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। टोटल मेरा कस्टम मेड है, मतलब पूरा बनवाया है इसके हिसाब से। आपने कहाँ से बनवाया? मैंने ये साइलेंसर गैरेज से। साइलेंसर गैरेज वो CP विन्नी से, वही जो थोड़े से आरजी टाइप के, वही आपने देखा होगा सबकी यूट्यूब पे वीडियो उन्हीं की डालते हैं सारे। एक साइलेंसर गैराज है और एक है साइलेंसर हाउस, है ना? साइलेंसर हाउस उसके साइड में। और दोनों सेम ही बंदे का है? नहीं, दोनों अलग अलग बंदों का है। मैंने कहीं से सुना था कि दोनों किसी कॉम्पिटिटर से। अच्छा अच्छा, तो आपने साइलेंसर हाउस ही चूज किया गैराज? मतलब भाई मेरा सी क्लास गैराज से हुई थी, तो गैराज में वो आवाज नहीं बना पाए। मतलब उनका अपना ये होता है कि जो हम कर रहे हैं वही करके देखो भाई, किसी का डाउन साइड नहीं दिखाएंगे। लेकिन मेरे को भाई साइलेंसर गैरेज का ज्यादा काम अच्छा लगता है, वो आपके डिमांड पर कितना मोटा पाइप डालना है सारी चीजें वो अरेंज कर देते हैं। साइलेंसर गैरेज को मतलब ऊपर रखोगे? बिल्कुल रखूंगा भाई, मेरा काम दोनों से हुआ है लेकिन गैरेज का ज्यादा अच्छा काम हुआ है। आपने सी क्लास कितनी चला दी थी? सी क्लास 47 भाई। भाई साहब 47,000, और इसको 1 लाख प्लस चला दिया कहां से इसमें भाई? देख लो 1 लाख से ऊपर चल गया, और कुछ मेजर खर्चा नहीं आया आपको? कास्ट तक कुछ बचवोट आया भी ना। सबसे रिलायबल कंपनी है, अभी भी आपको यूरोप की कोई कंपनी नहीं दे रही होगी, मर्सिडीज अकेली ऐसी कंपनी है जो नई गाड़ी पे 8 साल की वारंटी दे रही है। इसमें भी वारंटी तो आउट हो चुकी है? इसमें तो हो चुकी है, उस टाइम 8 साल की नहीं देती थी, अब जो आ रही है उसमें देती है। टोयोटा नहीं देती थी भाई 8 साल, लेकिन टोयोटा तो रिलायबल भी है वैसे। कहने की बात है, उसी चीज को पूरा करने के लिए मर्सिडीज ने 8 साल की वारंटी दी है कि भैया 8 साल तक हम आपके आगे पीछे खड़े। वही बात है, मर्सिडीज ले रहे हो भाई, ये चीज तो दिख रही है आपको, ये चीज छोटी मोटी चीज तो है नहीं आपको भाई। जो ऊपर जो लोगो है, वो जो ऊपर पहले ऊपर की तरफ मिलता था वो ज्यादा अच्छा लगता था, या जो अब दे रहे हैं वो लगता है? देखो ये है थोड़ा हैचबैक, तो इस पे तो वो अच्छा लगेगा नहीं। हाँ जी, लेकिन अगर बात होती है एस क्लास वगैरह की तो वही अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बात है भाई, एस क्लास वगैरह में वही अच्छा लगता है, लेकिन वो एक बंदा अगर गलती से भी उखाड़ के ले गया
फिर अच्छा खासा खर्चा आता है। नहीं भाई, अब जिसके पास एस क्लास होगी तो उसके पास पार्किंग भी अच्छी होगी खड़ी करने की, और पार्किंग भी, और कहीं बाहर खड़ी भी करते तो उसके पास अगर एस क्लास ले सकता है वो बंदा, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है वो लगवा सकता है। प्राइस भाई 1,90,00,000 रुपए इस टाइम पर। हाँ जी, आप कुछ सोचिए, जो बंदा 1,90,00,000 रुपए खर्च के गाड़ी ला रहे हैं उसके लिए 2-3 लाख क्या ही है, ऑब्वियस ही बात है। और क्या नाम है, ये गाड़ी अभी नहीं मिलती, ये वाला तो पर्टिकुलर ये मॉडल तो डिस्कंटिन्यू हो गया। हैचबैक में अब सिर्फ एक ही मॉडल आता है जिसका नाम है A45 AMG S। हाँ जी, वो करीब करीब 95,00,000 रुपए की गाड़ी है और हैचबैक में वर्थ इट नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में। नहीं भाई, वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट 2 लीटर का इंजन है, 450 BHP प्रोड्यूस करता है। ड्राइव करके देख लेते हैं, हम थोड़ा टाइम कम है, कुछ हो गया ऐसा तो चलो ड्राइव करके देख लेते हैं। मैं आपके हाथ में पढ़ा देता हूँ, ये लगा देते हैं एक सेकंड में भाई, ब्रेक दबा कर। हाँ सॉरी, डी पे लग गई। ओ भाई, जो उठाई है ना इसने एकदम में, ये देखो लैग तो है भी थोड़ा सा इसमें, वो स्टार्टिंग का ही है बस, फर्स्ट गियर में भाई एकदम से गई इसी 1000 भाई, पावर तो फुल है इसमें। आपने अर्नी भैया के उसे BMW से भी करा था भाई? अर्नी भैया की BMW से देखो भाई, ड्रैग में तो मैं रह गया था। हाँ, लेकिन रोलिंग रेस जो होती है वो मैंने देखा, जब गाड़ियां, हाँ जब गाड़ियां मतलब चलती भी उठती हैं, तब भाई उनकी गाड़ी की कोई चांस भी नहीं था कि वो आसपास में टटक जाए इस गाड़ी से। वो भाई मैंने देखा, पूरी वीडियो देखी थी, अर्नी भैया के चैनल पे भी डली हुई है वो। अर्नी भैया ने इसका एक ड्राइव का भी डाला है। हाँ मैंने देखी, हाँ सिर्फ इसमें हमको 4 लोग को बैठा कर ड्राइव कर रहे थे, और उन्होंने क्लेम किया था कि भाई चलते हुए अगर कार जहाँ पर हाईवे पे हो रही है वहां पर इसकी कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि भाई वेट कम है, 2.2 इंजन है, फिर एकदम से कमाल दिखाती है 100 के बाद। हाँ, इसमें जो है ना वेट जो है अपने अपना सही कर देता है, और हाईवे पे जो है ना ये चीज बहुत मजा दिलवा देती होगी। बिल्कुल भाई, साइज इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट सब कर देना, और छवि मान के जितने भी भाई आ रहे हैं देखने के लिए व्यूअर्स, भाई सब्सक्राइब करके जाना। भाई मेरा बनाता है बहुत प्यारी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो, आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें, पूरा पूरा ज्ञान मिलता है, और गाड़ी की क्या पोटेंशियल है क्या नहीं है वो सब मेरा भाई बताता है। आप भाई सपोर्ट करेंगे तभी भाई थोड़ा भाई को भी मोटिवेशन आएगा और हम जैसों को भी मोटिवेशन आएगा, क्योंकि भाई जो भी कहानी है वो आपसे शुरू होती है, सब्सक्राइबर ही हमारे सब कुछ हैं। सो भाई अपने भाई को भी मौका दीजिए, सपोर्ट कीजिए और पूरा पूरा प्यार दिखाइए, आपको भाई कभी भी निराश नहीं करेगा। बाकी भाई भाई का चैनल और अपना चैनल भी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार दिखाइए। थैंक यू भाई, तो आज इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, बाय।